गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज नंदिता सिंह फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर 5 ऑफ साइंस। द चैप्टर नेम इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। चलिए, इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, सेकेंड पार्ट पर आएंगे। टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर में क्या है? सब्सटेंसेस के टाइप्स ऑफ मिक्सचर में, मिक्सचर कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स। मिक्सचर को दो भागों में बांटा जा सकता है, कौन कौन से? होमोजीनियस और हेटरोजीनियस। होमोजीनियस और हेटरोजीनियस। अब होमोजीनियस के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या है? इन अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स ऑफ शुगर विद आर नेक्ड आइज। द पार्टिकल्स ऑफ शुगर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सोल्यूशन। द फर्स्ट सिप इज एज स्वीट एज लास्ट सिप। सच अ मिक्सचर इन विच ऑल इट्स कॉम्पोनेंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर इज कॉल्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं? जैसे कि आप अगर किसी पानी में शुगर को डालते हैं, वाटर में अगर किसी शुगर को डालते हैं तो वो उसमें पूरी तरीके से घुल जाती है, आप उसको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, लेकिन ये उसका वाटर का कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट कर देती है, थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, तो ये तो आप जानते ही हैं। फिर उसमें यही बताया जा रहा है कि जब आप उस वाटर को सिप लेंगे तो वो पहली सिप और लास्ट सिप उसमें मींस शुगर उसमें इतना डिजॉल्व हो जाता है कि वो वाटर को पूरा स्वीट कर देता है। सच अ मिक्सचर इन, और इस मिक्सचर को हम होमोजीनियस कहते हैं, जिसमें कोई भी आपका पार्टिकल कोई भी वाटर में जा करके पूरा मिक्स हो जाए, उसे हम कहेंगे होमोजीनियस। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर आर सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर एंड अलॉय सच एज स्टील, ब्रॉन्ज एंड कॉपर। नो मैटर विच पार्ट ऑफ मिक्सचर यू टेक, इट विल हैव द सेम प्रॉपर्टीज। प्योर एयर इज ऑल्सो अ होमोजीनियस मिक्सचर। द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ एयर आर mixed at a much finer level and so are not readily distinguished। और क्या दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि वाटर में हम सॉल्ट को मिलाएंगे तो वो भी पूरा मिक्स हो जाता है। एलॉय यानी कि मेटल में अगर हम किस चीज़ को मिलाते हैं तो वो भी पूरा मिक्स हो जाता है, जैसे आपका स्टील है, ब्रोंज है, कॉपर है। और कुछ ऐसे नो मैटर विच पार्ट ऑफ मिक्सचर यू टेक इट विल हैव द सेम प्रॉपर्टीज। जो भी प्रॉपर्टीज के मैटर आप उसको लेंगे वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा, उसी को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। एयर भी आपकी है, उसमें भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं, जैसे गैस हुआ या और अदर पार्टिकल्स हुए, तो वो एयर में जाके पूरा मिक्स हो जाते हैं, तो उस जिसको अलग नहीं किया जा सकता उसे हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। अब नेक्स्ट है आपका हेटरोजीनियस मिक्सचर। हेटरोजीनियस क्या होता है? Take a spoonful of sand and mix it in a glass of water. Stir the mixture and leave it undisturbed for some time. You will see that the heavier particles have settled down. There are some soil particles that remain suspended and some particles are seen floating in water. In other words, the particles are not uniformly distributed in the mixture. Such a mixture in which its components are not distributed evenly throughout the mixture is called heterogeneous mixture. Some example of heterogeneous mixture are fruit salad, a mixture of chalk in water and chocolate chip cookies. तो heterogeneous में क्या होता है? Homogeneous में जब हम दो particle को, दो चीज़ों को mix करते हैं, water में किसी चीज़ को हमने mix किया या किसी और एलॉय में हमने किसी चीज़ को मिक्स किया तो वो उसमें पूरी तरीके से घुल जाए, तो वो होता है हमारा होमोजीनियस। और हेटरोजीनियस मीन्स जिसमें ना घुले, उसका जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या एक एग्जांपल दिया जा रहा है कि अगर आप एक स्पूनफुल सैंड लें, उसको वाटर में डालें, उसको स्टर करके थोड़ी देर के लिए रख दें, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो कि सैंड जो है वो उस हैवियर होती है, तो वो जा करके पानी में नीचे सिंक हो जाती है, बैठ जाती है, और जो सॉयल पार्टिकल्स होते हैं और जो अदर पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें फ्लोट करने लगते हैं, तैरने लगते हैं, और ये सारे पार्टिकल उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, मींस पूरी तरीके से घुलते नहीं हैं।
और इस कंपोनेंट्स जो कि वो कंपोनेंट्स जो कि मिक्सचर मिक्स नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि आपका आ जाएगा फ्रूट सैलेड, मिक्सचर ऑफ चॉक और चॉकलेट चिप कुकीज़। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पर, ये यू कैन सी अ ग्राफ। मैटर है आपका प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस जो कि नेचुरल होता है, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बाहर से नहीं ऐड करते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड हो गया। और मिक्सचर में आपका होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हो गया। अब हम आएंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम मिक्सचर्स। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस कैसे होता है देखते हैं। अनलाइक प्योर सब्सटेंसेस, कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर यूजली इजी टू सेपरेट इंटू देयर डिफरेंट पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, फ्यू स्मॉल आयरन नेल्स हैव बिन ड्रॉप इन अ सैंड पिट एंड हैव सन्क इंटू द सैंड सो दैट दे कैन नॉट बी सीन। स्प्रेड द मिक्सचर ऑफ अ शीट एंड ब्रिंग द मैग्नेट नियर द मिक्सचर। द नेल्स आर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट एंड सैंड इज लेफ्ट बिहाइंड। द नेल्स एंड सैंड हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। वॉट इफ प्लास्टिक बीड्स हैड बीन ड्रॉप्ड इन टू द सैंड पिट इंस्टेड ऑफ नेल्स। दे कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सैंड विद अ मैग्नेट। द की टू सेपरेट कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स इज रिकॉग्नाइजिंग द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्पोनेंट्स। इसमें क्या बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे कॉम्पोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के, जिन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं आसानी से, डिफरेंट पार्ट्स में उसको सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आयरन नेल आपको मैंने बताया था कील को कहते हैं, जो आप दीवार पे गाड़ते हैं उसको आयरन नेल कहते हैं। तो अगर उसे हम सैंड पिट में डाल दें, अगर उन्हें उसे हम सैंड पिट में डाल दें, तो क्या होता है कि हमें उसे ढूंढना आसान होता है। कैसे? हम मैग्नेट के हेल्प से। जैसा कि आपको पता है कि मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ उसको अट्रैक्ट करता है। तो हम अगर मैग्नेट के हेल्प से आयरन नेल को अट्रैक्ट करके उसमें उसको सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आयरन नेल की जगह पर किसी प्लास्टिक की बीड्स अगर हम डाल दें सैंड पिट में, तो क्या उसको ढूंढा जा सकता है? उसे सेपरेट नहीं किया जा सकता। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, कंटिन्यू द क्लास। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है। द की टू सेपरेट कॉम्पोनेंट ऑफ मिक्सचर इज रिकॉग्नाइजिंग द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्पोनेंट। और उसको कॉम्पोनेंट से मिक्सचर से अलग अलग कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट करना यहाँ पर बताया जा रहा है। ये एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है कॉम्पोनेंट की। कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। किस लिए सेपरेट किया जाता है, किस पर क्या पर्पस है उसका? फर्स्ट है आपका टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कॉम्पोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, राइस और पल्सेस में कंटेन स्मॉल स्टोन्स एंड अदर सॉलिड इम्प्योरिटीज विच आर हार्मफुल इज इफ कंज्यूम्ड। दीज इम्प्योरिटीज आर रिमूव टू मेक द फूड सेफ फॉर कंजम्पशन। रिवर वाटर इज प्योरिफाइड टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग बिफोर सप्लाइंग द वाटर टू आर होम्स। क्या बताया जा रहा है? टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कॉम्पोनेंट्स, हार्मफुल कॉम्पोनेंट्स और इम्प्योरिटीज को हटाना। फॉर एग्जाम्पल में क्या दिया, राइज एंड पल्सेस। पल्सेस मीन्स क्या होता है? वट इज द मीनिंग ऑफ पल्सेस? दाल। यस, वेरी गुड। पल्सेस मीन्स दाल, आप सबको पता होगा। तो अगर हम राइस और पल्सेस को लेते हैं, तो अगर आप घर में भी देखते हैं तो कि आपकी मदर कैसे बनाती है, उसमें से स्टोन्स, स्मॉल स्टोन्स और जितने भी अदर कंपोनेंट्स हैं उसको निकाल करके बाहर कर देती है, अदर इम्प्योरिटीज को हटाती हैं, उसके बाद उसको बनाती हैं। अगर उसे हम कंज्यूम कर लें तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। दीज इम्प्योरिटीज आर रिमूव टू मेक द फूड सेफ फॉर कंजप्शन। इसे हटा करके, रिमूव करके ही बनाया जाता है, ताकि वो हमारे कंजम्पशन के लिए सेफ हो जाए। रिवर वाटर को भी पहले प्योरीफाई किया जाता है, तब उसके बाद होम्स में सप्लाई किया जाता है। टू नेक्स्ट है आपका टू ऑब्टेन यूजफुल कॉम्पोनेंट्स। क्रूड ऑयल इज अ मिक्सचर, क्रूड ऑयल इज अ मिक्सचर ऑफ
various substances. It is distilled to obtain various useful components such as petrol, kerosene, diesel and white petroleum jelly. Similarly, butter can be obtained from milk or curd by churning it. क्या बताया जा रहा है? टू ऑब्टेन यूजफुल कॉम्पोनेंट्स, यूजफुल कॉम्पोनेंट्स को ऑब्टेन करना. क्रूड ऑयल कौन सा है हमारा? पेट्रोलियम. पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस. पेट्रोलियम जैसे आपको पता है कि पेट्रोल बनाया नहीं जाता, ये नेचुरली आता है. तो ये क्या होता है? इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है. इट इज डिस्टिल टू ऑब्टेन. डिस्टिल मीन्स टू मेक प्योर. Distilled means to make pure. It is distilled to obtain various useful components such as petrol, kerosene, diesel, white petroleum jelly. Means petrols को purify करके उससे कई सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि petrol है हमारा, kerosene है, diesel है और white petroleum jelly जो आप vaseline जिसको कहते हैं. तो ये सारी चीज़ें उसको प्यूरीफाई करके उसमें से निकाली जाती हैं. सिमिलरली बटर कैन बी ऑब्टेन. जैसे कि बटर बनाया जाता है किसकी मदद से? मिल्क की मदद से. कर्ड बनाया जा सकता है उसको चर्निंग करके. चर्निंग मीन्स शेक इन मशीन. तो ये ही बताया जा रहा है कि जैसे कि हम मिल्क से अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, उसी तरह पेट्रोल का यूज़ करके भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं. नेक्स्ट पॉइंट है आपका टू ऑब्टेन प्योर कॉम्पोनेंट्स. प्योर मेटल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर नेचुरल मिक्स फॉर्म्स आर कॉल्ड ओर्स. ओर्स क्या होता है आपका? ओर्स मीन्स खान. जैसे कोयले की खान होती है, हीरे की खान होती है, उसको हम कहते हैं ओर. तो प्योर मेटल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर नेचुरल मिक्स फॉर्म्स कॉल्ड ओर्स. जितनी भी खाने होती हैं उनमें से हमें प्योर मटेरियल्स, प्योर मेटल्स मिलते हैं, जिन्हें हम उनमें से अलग करके अपने यूज़ के लिए उसको रखते हैं. तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही. नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट क्लास में. टिल देन गुड बाय, टेक केयर.